हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हरियाली चिकन बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैंने बकरीद स्पेशल बनाया है। इसे आप घर पे ज़रूर बनाएं। मैंने हरियाली चिकन बिल्कुल ड्राई बनाया है, यानी कि बिना ग्रेवी वाला चिकन बनाया है। इसे आप किसी भी फेस्टिवल में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 kg चिकन और लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। 1 teaspoon मैंने हल्दी ले लिया है। 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। 1 tablespoon मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला, और 5 से 6 मैंने बादाम ले लिए हैं, और 5 से 6 काजू जिसका पेस्ट बना लिया है, और मैंने लिया है धनिया पत्ता और हरी मिर्च, जो कि हरियाली चिकन में बहुत ही ज़रूरी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले मैं धनिया पत्ता को एक जार में डाल करके ब्लेंड कर लूँगी। तो धनिया पत्ता के साथ मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च ली है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितना आप तीखा खाते हैं उसके हिसाब से ही डाल लें। तो चलिए इसे कर लेते हैं ब्लेंड। तो मैंने धनिया पत्ता और हरी मिर्च को ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने उसे चिकन पे डाल दिया है, यानी कि चिकन को अब हम मैरिनेट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2.5 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि चिकन बनाने में बहुत ही ज़रूरी होती है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, 1 tablespoon गरम मसाला पाउडर और 1 teaspoon हल्दी पाउडर। इन सबको हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हरी धनिया के साथ में आप थोड़ा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि पुदीना को भी साथ में ब्लेंड करके इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 teaspoon सॉल्ट डाल दिया है, और इसमें डालेंगे 1 tablespoon सरसों का तेल, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ जाती है। और मैंने इसमें डाल दिया है काजू और बादाम का पेस्ट, जिसे मैंने पहले से ही पीस करके रख लिया था। तो चलिए इसे मिला लेते हैं। काजू और बादाम इसमें ज़रूर डालें उसका पेस्ट बना के। इससे इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी भी तरीके से क्रीम या दही का इस्तेमाल नहीं किया है। इसीलिए इसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसे डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें इसे। तो ये देखिए, चलिए हम इसे छोड़ देते हैं मैरिनेट होने के लिए। तो मैरिनेट ये हो चुका है। मैंने इसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था फ्रिज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है, और डाल दिया इसमें सरसों का तेल। मैंने इसमें एक लाल सूखी मिर्च डाल दी है, और डाल दिया है प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया था। इसके बाद हमें इसे अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक भून लेना है, जब तक कि प्याज का कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे चलाते रहना है। स्लो फ्लेम में ही प्याज को पकाएं, ज़्यादा फ्लेम हाई ना करें, नहीं तो आपके प्याज बहुत जल्दी जल जाएंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट मैंने इसे और भून लिया था, प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें अपने मैरिनेट किए हुए चिकन को डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे चिकन डाल दिया है। अभी हमें यहाँ पे पानी ऐड नहीं करना है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और 5-5 मिनट के लिए इसे ढक करके पका लेना है। उसके बाद ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मसाले जो हैं वो हमारे अच्छे तरीके से पक जाने चाहिए, उसके बाद ही हमें पानी ऐड करना चाहिए। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में हम इसे ढक करके छोड़ देंगे बिल्कुल 5 मिनट के लिए, और इसे स्लो फ्लेम में ही बनाएं, फ्लेम हाई ना करें बिल्कुल भी। तो मैंने इसे ढक दिया है।
तो चलिए 5 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। ये देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, यानी कि मसाला हमारा पकना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसे पानी डालने के बाद में 10 मिनट तक के लिए पका लेंगे। तो फ्लेम अपना मीडियम से हाई ही रखें, लो ना रखें, ताकि हमें पानी सूखने तक इसे पकाना है, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए और इसका जो पानी है वो भी पूरे अच्छे तरीके से सूख जाए। यानी कि हमें ग्रेवी नहीं रखनी है, बिल्कुल ड्राई चिकन तैयार करना है। तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए बंद कर दिया था, फिर से मैं इसे 5 मिनट के लिए बंद कर दूंगी। तो 5 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं और चिकन जो है हमारा ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं मसाले इसमें अच्छे तरीके से चिपकने लगे हैं। हमें इसे 2 से 4 मिनट तक यूं ही और पका लेना है। फ्लेम हमें हाई रखना है, यानी कि इसे अब हमें ढकना नहीं है। ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आ गया है। रेस्टोरेंट्स में हरियाली चिकन में ग्रीन कलर ऐड किया जाता है, जिससे उसका कलर बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखता है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो 2 से 4 मिनट इसे पकने देते हैं। तो ये देखिए हमारा चिकन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा कलर इसका आ गया है। और अपने घर पे से आप ज़रूर बनाएं, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही फटाफट तैयार हो जाती है, कोई भी टाइम नहीं लगता है और ना ही बहुत ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है इसे बनाने के लिए। तो इस बकरीद में या किसी भी फेस्टिवल में इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर इंजॉय करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ही इजीली मिल जाए। तो मिलती हूँ आपसे ऐसी ही आसान सी रेसिपी को लेकर के। टिल देन, बाय बाय गाइस।